गुड मॉर्निंग एवरी वन बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सर्दियों का मौसम चल पड़ा है तो ऐसे में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है और स्किन को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है तो देखिए जी ये मेरे हाथ में है केला और केला ना हर किसी का फेवरेट होता है सभी केला खाते ही खाते हैं भाई पोषक तत्वों का भंडार होता है केला पोटाशियम भर भर के केले में पाया जाता है आयरन भर भर के पाया जाता है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं तो ऐसे ही अगर केले को आप अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए एंटी एजिंग का काम करता है प्लस स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है और सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है तो किस तरह से आपको इसे यूज करना है थोड़ा सा पका हुआ केला आपको लेना है और फिर देखिए बहुत ज्यादा नहीं बस एक छोटा सा टुकड़ा जब आप खा रहे हो ना तो अपनी स्किन के लिए स्किन केयर के लिए आपने लेना है बस इतना सा काफी रहेगा बाकी इसका जो छिलका है ना ये भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्क्रब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताती हूँ पहले चलिए ये जो छोटा सा टुकड़ा केले का हमने ले रखा है इसको क्या करेंगे कि इसको पहले इस तरीके से दबा करके बढ़िया तरह से मैश कर लेंगे ठीक है इस तरह से बस सिंपली आप अपनी फिंगर्स की मदद से भी ये काम कर सकते हो अगर आपको बड़े ताम झाम में नहीं पड़ना है तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाया तो इस तरीके से ये आ, मैश हो जाता है और अब देखिए इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें ऐड कर लेनी है जो कि सोने पे सुहागा होने वाली है सबसे पहले तो आपको इसमें ऐड करना है नींबू नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है सिट्रिक एसिड नींबू में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आपकी स्किन को यह हाइड्रेट करने का भी काम करता है सर्दियों के मौसम में हम एक गलती करते हैं कि हमें प्यास नहीं लगती तो हम ज़्यादा पानी भी नहीं पीते हैं उसी तरह से हमारी स्किन शुष्क हवाओं की वजह से डिहाइड्रेट होती रहती है जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर होता है ऑयल होता है वो खोने लगता है और नतीजा कि हमारी स्किन फटना शुरू हो जाती है तो ये जो नींबू है एक तो आपकी स्किन को साफ करने का निखारने का कालेपन को दूर करने का काम करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा तो यहाँ पे कुछ बूंदे आपको ले लेनी है ले लेनी है नींबू के रस की इन केस कोई बोलता है कि भाई मुझे सूट नहीं वैसे तो देखिए मिक्स करके जब आप इसे यूज करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इससे एलर्जी हो जाएगी आपको सूट नहीं करेगा लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस तरह से नींबू लेते हैं अपने चेहरे पर इस तरह से लगाना शुरू कर देते हैं तब इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो इचिंग या कुछ भी जो भी है बाकी अगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है आपको बिल्कुल ही आपको लगता है कि सूट ही नहीं कर सकता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें और ऐसी चीजें ऐड करने वाले हैं जो आपको भरपूर फायदा देंगी नींबू ऐड करते हो तो वेल एंड गुड है और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे नहीं ऐड कर रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं अब देखिए इसमें आपने एक और जादुई चीज़ ऐड करनी है वो है हनी जो लोग हनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं ग्लिसरीन ग्लिसरीन मैंने आपको बोला ही था कि आपके पास ना मतलब सर्दियों के मौसम के लिए एक छोटी सी शीशी लेकर के रख लीजिए मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाती है बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और एक छोटा सा शीशी भी आपकी ना बहुत मतलब पूरा सर्दी में चल जाएगी बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करनी होती है क्योंकि थोड़ी सी थिक होती है डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करनी है आपको किसी ना किसी चीज़ में डाइल्यूट करके ही ग्लिसरीन को इस्तेमाल करना चाहिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसे गुलाब जल के साथ डाइल्यूट कर लीजिए मतलब कि अगर एक चम्मच आपने गुलाब जल की ली है तो लगभग आपकी तीन से चार बूंदे उसमें ग्लिसरीन की जानी चाहिए इतना कर आपने मिक्स किया और उसको कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पे लगा लिया कुछ देर लगा रहने दें फिर ठंडे पानी से धो लें तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटती रहती है तो वो भी हील करने का काम ग्लिसरीन हीलिंग प्रॉपर्टीज ग्लिसरीन में होती है भाई छाले जब हो जाते हैं तो ग्लिसरीन लगाते हैं ठीक हो जाते हैं तो उसी तरह से ये आपकी स्किन पर भी काम करता है कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं उससे भी किसी भी तरह की स्किन है सेंसिटिव है कोई भी स्किन है सब अप्लाई कर सकते हैं बाकी फिर भी मैंने बोला है कि अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको लगता है कि भी मुझे सूट ही नहीं कर सकता मुझे अप्लाई करना ही नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन हनी हनी को भी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अगर आपने हनी नहीं ऐड करना है तो मैंने बता दिया कि आप ग्लिसरीन को ऐड कर सकते हो जो भी अवेलेबल हो इजिली वो आप ले सकते हैं और हनी ले रहे हो तो आधी जैसी चम्मच के करीब आप हनी जरूर लीजिएगा हनी भी आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हनी में होती है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और फेस पे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं चेहरे के ऊपर तो उनको स्ट्रिंक करने का भी ये काम करता है बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं तो ये आप ले सकते हैं इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देखिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे होते रहते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए रामबाण इलाज है ये विटामिन ई के कैप्सूल तो ये भी आपको ले लेने हैं इस तरह से आपने लेना है एक कैप्सूल देखिए ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं स्पेशली दाग धब्बों के लिए कालेपन के लिए एंटी एजिंग के लिए ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये विटामिन ई e के ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई e जानी जाती है तो आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है तो कोशिश कीजिए कि आप ज़रूर से ज़रूर लें लेकिन फिर भी किसी के पास ना हो तो इसकी जगह पर आप लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो तो मैं मेरे तो भाई फेवरेट हैं और मैं सर्दियों में क्या गर्मियों में भी खूब इस्तेमाल करती हूँ स्पेशली जब मेरे को डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बस फिंगर टिप की मदद से इस तरह से ऑयल लेती हूँ और डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से मैं अप्लाई कर देती हूँ और रोज़ मतलब कि रात को सोने से पहले मैं इस तरह से अच्छे से मसाज करके सो जाती हूँ दो तीन दिनों में ही जो मेरे डार्क सर्कल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और फिर रेगुलर यूज़ से ख़त्म हो जाते हैं बाकी देखिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी होता है बाहर से आप जितने मर्जी लेप लगा लीजिए लेकिन अगर अच्छा खान पान नहीं होगा आपका प्रॉपर नींद नहीं होगी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा लाइफ में तो बाल भी झड़ेंगे स्किन भी अच्छी नहीं होगी तो ये चीज़ का तो आपको ख़ास ख्याल रखना ही है आजकल देखिए सर्दियों में आपको मौसमी फ्रूट दो ज़रूर खाने हैं संतरे अब सीजन में हैं तो दो संतरे आप डेली खाइए खाइए ज़्यादा भी खा सकते हो लेकिन मिनिमम दो खाइए ही खाइए आपको खुद अपनी स्किन पे ग्लो दिखना शुरू होगा संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके इम्यून सिस्टम के लिए और स्किन और बालों के लिए वरदान की तरह काम करेगा तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है पानी भी खूब पीना है तो इस तरीके से आप इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ये जो चीज़ बनने वाली है ना ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई पैक लगा लेना है अपने चेहरे पर बहुत देर तक लगा रहने देना है क्योंकि भाई ठंडी का मौसम है ये चीज़ हमसे हो भी नहीं पाती है तो इसलिए आपकी इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते ही मैंने आपको ये सिंपल उपाय सिंपल स्किन केयर बता रही हूं अगर आपसे रोज नहीं भी हो पाएगी तो एक दिन छोड़ के या हफ्ते में दो बार आप जरूर कर लेना आपको खुद वो खुद अपनी स्किन में चेंजेस नजर आ जाएंगे बाकी ना सिर्फ स्किन के लिए ही अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा फटते रहते हैं हाथ बहुत ज्यादा डल हो गए हैं ड्राई से रूखे से रहते हैं तो हाथों पे भी पैरों पे भी नेक पे भी आप ये चीज कर सकते हैं मतलब नहाने जाने से पहले पांच कर मिनट पहले आप अच्छी तरह से मतलब अपने नेक पे फेस पे बाल इस पे हाथों पे पैरों पे इसे सकते हैं अच्छा तो ये हमने ले लिया इसके बाद एक और चीज में इसमें ऐड करना चाहूंगी ये है हल्दी और चुटकी भर हल्दी आपको इसमें ऐड करनी है हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है तो पिंपल्स अगर आपको होते रहते हैं बार बार आपकी स्किन को निखारने के लिए हल्दी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कोशिश कीजिए कि की प्योर हल्दी का इस्तेमाल करें अंबा हल्दी कस्तूरी हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी बाकी अगर ना हो तो आप दूसरी हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं तो किसी किसी की स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनको रैशेज हो सकते हैं सूट नहीं करती है तो इसलिए बोला जाता है कि जो स्किन पे अप्लाई करने वाली हल्दी है वही आप यूज़ करें ये रीज़न होता है बाकी इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और एंड में आप इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे कितना थोड़ा सा एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे तो स्किप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाकी अगर ऐड करते हो तो देखिए इसके भी बेनिफिट आपको मिलेंगे अब सारी चीज़ों को हमने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स और फिर आपने क्या करना है पहले कॉटन uh, में थोड़ा सा दूध लीजिए और उससे अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए टैप टैप करते हुए लगाइए और फिर पांच कर मिनट के बाद उसे उसी कॉटन की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे फिर क्लीन चेहरे पे आपने ये जो पैक है ये लेना है और इस तरीके से देखिए इस तरह से लिया अच्छी तरह से मसाज करना है इस तरह से जितनी देर तक आप मसाज कर सकते हो उतनी देर तक आपने मसाज करना है इससे अपने सारे फेस के ऊपर अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर लगा सकते हो आप अपने लिप्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा फटते रहते हैं तो और बाकी जैसे मैंने बताया कि एंटी एजिंग का काम करता है तो जहाँ पर भी आपको ये देखिए यहाँ यहाँ पर जबकि आइज का एरिया है यहाँ पे हमें पहले झुरियां पड़ना शुरू होती है तो यहाँ यहाँ पे अच्छी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से अप्लाई करेंगे फिर आप इसको रहने देंगे कुछ देर के लिए पंद्रह बीस पच्चीस मिनट जितने आप रख सकते हो फिर आप ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हो इसके अलावा बात करें छिलके की अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा डेड स्किन रहती है तो ये स्क्रब का भी काम करता है बस आपने जैसे केला खा लिया तो ये जो इसका छिलका है आपने लेना है अगर आपने ये सॉल्यूशन तैयार कर रखा है तो आप इसको भी यहाँ से इसी की मदद से लेकर के इस तरह से मसाज कर सकते हो और अगर ये नहीं भी किया है ना जब भी हम केला खाते हैं तो अक्सर हम इस छिलके को फेंक देते हैं तो फेंकने से पहले बस आपने इस तरह से लेना है इस छिलके को और थोड़ा सा आप इस तरह से नाखून से भी प्रेस कर सकते हो ताकि जो ये देख रहे हो ना इसकी जो ये जो स्किन है ये बाहर को थोड़ी सी निकल आए और इसी की मदद से आपने मसाज करना है देखिए जो छिलके होते हैं ना चाहे सब्जियों के हैं चाहे से फ्रूट्स के हैं उनमें ना फ्रूट्स और सब्जियों के कंपैरिजन में डबल न्यूट्रिशंस होते हैं लेकिन हम उनको फेंक देते हैं खाते नहीं हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जी अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है जिन लोगों को झाइयों की समस्या रहती है तो उनके लिए भी काम करेगा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी केले में भरपूर मात्रा में होती है और बाकी जो चेहरे की डेड स्किन है वो भी आपकी निकल जाती है और इससे बढ़िया स्क्रब आपको और कोई मिल नहीं सकता बस इस तरीके से आप बीच बीच में इसको दबा करके इसे यूज़ करें नोज़ एरिया चिन एरिया पे भी हमें ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत ही बढ़िया तरह से इसे अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इससे देखिए ये चीज़ तो हम कभी भी जब भी आप कोई भी फ्रूट खाते हो ना तो उसके छिलके को इस तरीके से अपने चेहरे पर रब कर सकते हो थोड़ा सा फ्रूट का टुकड़ा लिया छिलके में ऐड करके उसे रब कर सकते हो तो आपको तब भी आपकी स्किन ना हमेशा शाइनी बनी रहती है चमकदार बनी रहती है सिंपल सा है कोई मैश नहीं होगा कोई चीज़ें इधर उधर नहीं टपकेंगी कोई फेस पैक आपको लगा करके घंटों वेट नहीं करना है बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे बाकी रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप इसे अप्लाई करोगे आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं वी नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार